हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कॉलरशिप एग्जाम स्टैंडर्ड फिफ्थ ऑनलाइन क्लास। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट हमारे लेक्चर में होमोफोन्स का एक्सप्लेनेशन सीखा था कि होमोफोन्स क्या होते हैं, और फिर हमने वो आपको पीडीएफ दी थी जो हमारी प्रैक्टिस टेस्ट थी। तो आई होप कि आपने वो सभी जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व किए होंगे। तो अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपकी जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आपके सामने ओपन रखें, और मैं जो भी आंसर्स आपको बता रही हूँ वो आपके आंसर्स के साथ आप मैच कीजिए। तो स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। फर्स्ट है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। जोन ऑफ आर्क वाज बर्न्ड एट द डैश। तो यहाँ पे हमें होमोफोन्स जो है वो सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है स्टेक, स्टिक, स्ट्रिक एंड स्टिक। ओके, सो यहाँ पे स्टेक मतलब क्या है स्टूडेंट? तो स्टेक मतलब है जैसे कि अ वुडन और मेटल पोल विद अ पॉइंट एट वन एंड दैट यू पुश इनटू द ग्राउंड। ओके, सो स्टिक का मतलब क्या है स्टूडेंट? सो स्टिक मतलब है अ थिक फ्लैट पीस ऑफ मीट और फिश। ओके, सो मतलब ये सही जवाब हो सकता है क्या? नहीं। नेक्स्ट है स्ट्रिक। स्ट्रिक मतलब क्या? अ थीन लाइन और मार्क। ओके, सो जोन ऑफ आर्क वॉज बर्न मतलब किस तरह कहाँ पे वो उसे जला दिया था। स्टिक है, STIC, स्टिक, अ स्मॉल थीन पीस ऑफ वुड फ्रॉम अ ट्री। तो ये भी इसका जवाब नहीं है। सो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर वन जो है अ वुडन और मेटल पोल विद अ पॉइंट एट वन एंड दैट यू पुश इन टू द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट है द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वॉक डाउन द डैश। मतलब जो दुल्हा और दुल्हन है वो कहां पे चल रहे थे? तो आयल। ओके, सो ये जो आयल है इसका मतलब क्या है? एन आइलैंड। ओके, और ये जो आयल है इसका मतलब क्या है? अ पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स इन अ चर्च और थिएटर। ओके, और नेक्स्ट है इल। मतलब आप सबको पता है कि नॉट वेल। ओके, आप कभी कभी बोलते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इसका मतलब क्या है कि इल होना, तो बीमार होना। नेक्स्ट है ईल, EEL, मतलब अ लॉन्ग फिश दैट लुक्स लाइक अ स्नेक। ओके, सो इसका मतलब यहां पे सही जवाब कौन सा था? तो वो है ऑप्शन नंबर टू, अ पैसेज। मैं यहां पे लिखती हूं अ पैसेज। ओके, पैसेज बिटवीन रोज ऑफ सीट्स इन अ चर्च और थिएटर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस देखते हैं हम। नेक्स्ट है द फर्नीचर वॉज स्टोर्ड इन अ डार्क डैश। सेलर, सेलर, स्टीलर, सीलर। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, तो सेलर, CELLAR, सेलर मतलब क्या है कि एन अंडरग्राउंड रूम दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ओके, सो हमें क्या पूछा गया है कि अ फर्नीचर वॉज स्टोर्ड इन अ डार्क डैश, मतलब क्या? जो फर्नीचर है वो एक कहाँ पे स्टोर किया है, तो एक डार्क क्या है वहाँ पे? तो यहाँ पे CELLAR हमने देखा, SELLER, सेलर मतलब क्या है कि अ पर्सन और बिजनेस दैट सेल्स, मतलब जो सेल्समैन होते हैं, तो वो दूसरा। तीसरा है स्टीलर। स्टीलर मतलब क्या? अ पर्सन हु स्टील समथिंग। तो स्टील समथिंग, स्टील मतलब क्या? टू टेक समथिंग फ्रॉम अ पर्सन और शॉप। ओके, तो नेक्स्ट है सीलर, मतलब अ डिवाइस और सब्सटेंस यूज टू सील समथिंग, मतलब सीलर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है जो हमने पहले फर्स्ट ऑप्शन में देखा था, सेलर में, जो कि एन अंडरग्राउंड रूम दैट, मैं यहां पे लिखती हूं सेलर मतलब एन अंडरग्राउंड रूम दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग
थिंग्स. ओके नेक्स्ट है ही हैड टू डैश टू रिड्यूस हिज डैश. ओके सो यहाँ पे क्या होगा कि ही हैड टू क्या करना होगा उसे, ही हैड टू वेट मतलब उसे कुछ टाइम रुकना होगा टू रिड्यूस हिज वेट. वेट मतलब क्या, उसका जो वजन है वो, तो उसे वजन कम करने के लिए उसे कुछ टाइम रुकना होगा. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है. शी हैड ब्यूटिफुल वाइट डैश दैट जम्प्ड विथ हर एवरीवेयर. अभी यहाँ पे व्हाइट क्या कहा है, हेयर मतलब बाल, HAIR हेयर मतलब बाल, हियर तो यहाँ पे, एंड हियर HEAR हियर मतलब सुनना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा मीनिंग, तो वो है HARE हेयर मतलब क्या, जो रैबिट. ओके सो यहाँ पे हमने कैसे चूज किया कि यहाँ पे जंप कहाँ है, इसका मतलब यहाँ पे कौन हो सकता है, तो वो हेयर ही हो सकता है. ओके सो नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ शी स्टार्टेड टू डैश. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट की जैसे यहाँ पे हमें क्या सेंटेंस दिया है कि जब उसने मतलब जो गर्ल है उसने उसके फादर के डेथ की न्यूज सुनी तो शी स्टार्टेड टू, उसने क्या करने को शुरुआत कर दी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि वेल हमें दिया है, वेल मतलब WELL मतलब इन अ गुड वे. ओके सो इन अ गुड वे मतलब ये नहीं आ सकता क्योंकि शी इज अ सैड. सो नेक्स्ट वेल है WAIL वेल मतलब क्या है कि टू क्राई और कंप्लेन इन अ लाउड हाई वॉइस स्पेशली बिकॉज यू आर सैड और इन पेन. ओके सो ये हम साइड में रखते हैं. नेक्स्ट जो वेल है बॉल है उसका मीनिंग देखते हैं कि वेल मतलब ये WALE वेल मतलब क्या, स्केयर. ओके एंड WALL मतलब अ सॉलिड वर्टिकल स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक. वॉल हमने देखा है. ओके सो इसका मतलब यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, तो वो होगा वेल. मैं यहाँ पे लिखती हूँ वेल का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो वो है टू क्राई और कंप्लेन इन अ लाउड हाई वॉइस. ओके स्पेशली बिकॉज यू आर सैड और इन पेन. ओके तो समझ में आ गया स्टूडेंट आपके कि यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा. व्हेन शी हर्ड द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ शी स्टार्टेड टू वेल. नेक्स्ट है शी ड्रैंक अ डैश ग्लास ऑफ वाटर. तो यहाँ पे हमें फुल फ्लू फ्लो क्या क्या दिए हुए हैं ऑप्शन, तो देखते हैं. ये फर्स्ट फुल FULL फुल मतलब क्या कि कंटेनिंग अ लॉट ऑफ समबडी और समथिंग. ओके सो नेक्स्ट है फ्लो. फ्लो मतलब क्या, टू पोर. ओके एंड FOOL फुल मतलब क्या, स्टूपिड. एंड फोर्थ वन है FILL फिल मतलब टू मेक समथिंग फुल और टू बिकम अ फुल. तो हमें क्या है, शी ऑलरेडी ड्रैंक इट मतलब क्या, उसने ऑलरेडी ड्रिंक किया हुआ है, तो क्या था वो, फुल ग्लास ऑफ वाटर. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 FULL फुल जिसका सही जवाब है containing a lot of somebody or something. ओके नेक्स्ट है द डैश एंट्रेंस ऑफ द हॉल ओपन टूवर्ड्स नॉर्थ. द डैश एंट्रेंस ऑफ द हॉल ओपन टूवर्ड्स नॉर्थ मतलब क्या है यहाँ पे, कि मेन MAIN मेन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, MANE मेन मतलब अ लॉन्ग हेयर ऑन द नेक ऑफ हॉर्स और मेल लायन. नेक्स्ट है MEN मेन मतलब एन एडल्ट मेल
पर्सन एंड एम ए एन मतलब उसका सही इसका भी मीनिंग वही है एन एडल्ट मेल पर्सन. सो यहाँ पे कौन सा मेन आएगा तो वो होगा मेन डोर. ओके मेन एंट्रेंस. ओके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ओके जिसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन है दे हैड केप्ट डैश बुक्स ऑन द टेबल. सो यहाँ पे कौन सा सही जवाब है देयर मतलब उधर देयर टी एच ई आई आर देयर मतलब उनके देम मतलब भी उनके एंड दे आर मतलब वो. तो दे हैड केप्ट क्या होगा यहाँ पे तो वो होगा टी एच ई आई आर क्योंकि जब भी थिंग्स और पर्सन के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पे देयर टी एच ई आई आर देयर ही यूज होता है. सो दे हैड केप्ट देयर बुक्स ऑन द टेबल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन मेक अ पेयर ऑफ होमोफोन्स विद द अंडरलाइन वर्ड द सेल ऑफ हर बैटरी वॉज नॉट वर्किंग एंड अंडरलाइन वर्ड है सेल CELL. सो यहाँ पे जो करेक्ट पेयर होगा तो वो कौन सा होगा क्योंकि फर्स्ट का फर्स्ट है जिसका प्रोनाउंसिएशन SELL सेल है. नेक्स्ट है SAIL सेल. थर्ड वन भी है सेल SALE सेल एंड फोर्थ वन है SEAL सेल सील. सो यहाँ पे जो सही जवाब है जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है ऑप्शन नंबर वन सेल. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सभी आंसर जो है वो करेक्ट आए होंगे. तो आई होप कि आपको ये होमोफोन्स का जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा. तो स्टूडेंट हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में.